हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस सीखेंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया हो वो आप इस तरीके से लिख लें, फिर आप लिखें LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, RHS राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। LHS में जो एटम्स है यहाँ पर मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर लिख लिया आप मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही RHS में कॉपी करें, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर यहाँ पर कितने मैग्नीशियम है काउंट करें, यहाँ पे देखिए थ्री मैग्नीशियम से थ्री लिख दीजिए, नाइट्रोजन टू है टू लिखिए, हाइड्रोजन टू है टू लिखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर वन है वन लिखिए। अब RHS में मैग्नीशियम कितने हैं, यहाँ पर एक है वन लिख दीजिए, फिर ऑक्सीजन ओ एच ब्रैकेट में टू है, मतलब ऑक्सीजन टू है और हाइड्रोजन भी टू है। तो पहले हम ऑक्सीजन का लिखेंगे यहाँ पर टू, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन देखेंगे कितने हैं टू। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं वन और हाइड्रोजन कितने हैं थ्री, यानी अभी यहाँ पर हाइड्रोजन फाइव हो गए। अभी हम चेक करते हैं LHS और RHS। मैग्नीशियम LHS में थ्री है, RHS में वन है। ये मैग्नीशियम को थ्री करना है ताकि ये बैलेंस हो जाए, थ्री और थ्री दोनों सेम हो जाए। तब हम यहाँ पर मैग्नीशियम से पहले थ्री लिखेंगे, तब ये मैग्नीशियम अभी वन के बजाय थ्री हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहले O2 था तो अभी थ्री हो गया, यानी अभी थ्री टू ज़ा सिक्स हो गया, ये ऑक्सीजन अभी थ्री टू ज़ा सिक्स हो गया। सिमिलरली यहाँ पर हाइड्रोजन पहले एच टू था, लेकिन ये थ्री लिखने से थ्री टू ज़ा सिक्स, तो हाइड्रोजन अभी फाइव के बजाय सिक्स और ये वाला हाइड्रोजन थ्री, यानी अभी नाइन हाइड्रोजन्स हो गए यहाँ पर आपको। अभी दूसरा पार्ट, नाइट्रोजन टू है, यहाँ पर नाइट्रोजन वन है, तो नाइट्रोजन से पहले आप टू लिख दीजिए, तो ये हो गया टू, लेकिन हाइड्रोजन की वैल्यू चेंज हो गई यहाँ पर। अभी हाइड्रोजन टू थ्री ज़ा सिक्स और पहले वाला थ्री टू ज़ा सिक्स, यानी अभी ट्वेल्व हो गया, ये ख़त्म हो गया अभी। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन टू है, सिक्स से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे इसको, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, तो ये हो जाएगा ट्वेल्व, लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीजन की वैल्यू भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, सिक्स पहले वन था अभी सिक्स हो गया। अभी आप चेक कर सकते हैं, मैग्नीशियम थ्री LHS में थ्री RHS, नाइट्रोजन टू LHS में टू RHS, हाइड्रोजन ट्वेल्व LHS में ट्वेल्व RHS में, ऑक्सीजन सिक्स LHS में सिक्स RHS में। ये इक्वेशन आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। अभी दूसरा उदाहरण लेते हैं, जो इक्वेशन दिया गया हो उसे लिख दें, फिर आप लिखें LHS, RHS, फिर LHS में जो एलिमेंट्स है या जो एटम्स है वो लिख दें यहाँ पर, एल्युमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही RHS में कॉपी कर दें, एल्युमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभी चेक करें कितने एल्युमिनियम है यहाँ पर, फोर कॉपी कर लें, कार्बन थ्री, हाइड्रोजन टू, ऑक्सीजन वन, ये LHS के हो गए। अभी RHS के एल्युमिनियम चेक करिए, यहाँ पर एल्युमिनियम सिर्फ एक ही है, फिर कार्बन सिर्फ एक ही है, हाइड्रोजन यहाँ पर फोर है प्लस यहाँ पर थ्री है, टोटल सेवन, और ऑक्सीजन थ्री। अब एल्युमिनियम LHS में फोर है, RHS में वन है, तो RHS का एल्युमिनियम फोर होना है। तब हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम से पहले फोर लिख देंगे, तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा फोर, लेकिन O और H की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी O की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले O थ्री था, अभी फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व हो जाएगा, और हाइड्रोजन पहले थ्री था, अभी फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व हो जाएगा, और पहले वाला हाइड्रोजन फोर यानी 16, ये ख़त्म हो जाएगा। अब कार्बन चेक करेंगे, LHS में 3 है, RHS में 1 है,
तो RHS में भी हमें थ्री चाहिए, तो कार्बन से पहले आप थ्री लिखिए यहाँ पर, तो ये थ्री हो जाएगा, लेकिन H की वैल्यू यहाँ पर बदल रही, थ्री फोर ज़ा 12H हो गया, अभी 12 ये वाला हो गया प्लस पहले वाला H3 और 4 है यहाँ पर 12, यानी 24 हाइड्रोजन हो गया अभी यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 24 है, इसको 24 ये 2, यानी अगर इसे हम 24 करना है तो इसे आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 टू ज़ा 24, और ऑक्सीजन का नंबर चेंज हो जाएगा, पहले सिर्फ 1 था लेकिन अभी 12 हो गया। अब आप चेक करिए LHS में 4 4 3 3 24 24 12 12, ये इक्वेशन अभी बैलेंस हो गया। अभी हम थर्ड इक्वेशन देखेंगे, ये इक्वेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन हम इसमें एक ट्रिक यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले LHS RHS और LHS के जो एटम्स हैं RHS के एटम्स से लिखिए, फिर LHS में कितने कार्बन है यहाँ पर 2, और हाइड्रोजन यहाँ पर है 6, ऑक्सीजन है 2। RHS में कार्बन है यहाँ पर 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 3। अब बैलेंसिंग चेक करेंगे, कार्बन LHS में 2 है, RHS में 1 है, तो ये 2 अगर होना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कार्बन हो जाएगा 2, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर अभी चेंज हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर एक 5, तो अभी ऑक्सीजन हो जाएंगे 5। LHS में हाइड्रोजन 6 है, RHS में हाइड्रोजन 2 है, तो ये हाइड्रोजन को अगर हम 6 बनना है तो यहाँ से हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर चेंज हो जाएगा क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो गया ऑक्सीजन, तो पहले यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 3, यानी 7 हो गए। अब यहाँ पर इक्वेशन में ऑक्सीजन 2 है, LHS में RHS में 7 है, यहाँ पर अगर से 7 चाहिए तो 3.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऑड लगेगा, तो हम क्या करेंगे इसको 7/2 लिखेंगे, ऐसा हम बिल्कुल लिख सकते, हो सकता आपको ये बात ना मालूम हो लेकिन हम बिल्कुल लिख सकते, मतलब ये 2 2 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 7, तो अभी 2 6 7 2 6 7, ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया, लेकिन देखने में इक्वेशंस कुछ ऑड लगेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले हम ये इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं, अब ये पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4C4 हो जाएगा, H12 प्लस 2 7/2 O2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 2 ज़ा 4CO2 प्लस 2 3 ज़ा 6H2O। अभी आप चेक करिए CH12 प्लस 7O2 4CO2 प्लस 6H2O। अभी हम चेक कर लेते हैं कार्बन कितने हैं LHS में, यहाँ पर 4 है, और RHS में कार्बन चेक करिए कितने हैं, यहाँ पर 4 है, तो कार्बन यहाँ पर टैली हो गया। अभी हम चेक करेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे LHS में 12 है, RHS में यहाँ पे 6 टू ज़ा 12, यानी हाइड्रोजन भी यहाँ पर बैलेंस हो गया। अभी बचा ऑक्सीजन, यहाँ पे 7 टू ज़ा 14 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 4 टू ज़ा 8, ये ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं हम 8, और यहाँ पर 6, 8 प्लस 6 यानी 14, तो ये 14 भी बैलेंस हो गया। तो ये हो गया आपका कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। लेट अस सी वन मोर इक्वेशन, LHS RHS कॉपी, फिर से LHS में जो एटम्स है कॉपी करें, RHS में कॉपी करें। अभी चेक करें कार्बन यहाँ पर LHS में 1 है, हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर 1 यानी 5 है। अभी LHS में कार्बन कार्बन, RHS में कार्बन है, हाइड्रोजन 4, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो ये हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो ये हो गया 4, लेकिन Cl की वैल्यू चेंज हो गई, अभी ये नहीं रहेगी, पहले का Cl4 प्लस अभी Cl4, यानी 4 प्लस 4 8 क्लोरीन। अब LHS में यहाँ पे 2 है, 2 को अगर आप 8 बनाना है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 टू सा 8। अभी बैलेंस है, कार्बन 1, RHS में 1, हाइड्रोजन 4, 4, क्लोरीन 8, 8। ये आपका बैलेंस इक्वेशन है। चले देखते हैं और एक इक्वेशन, यहाँ पर P4 है, ऑक्सीजन 10 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, टोटल ऑक्सीजन हो गया 11। RHS में P1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 3 है, LHS में P है 4 है, RHS में P1 है, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा P4, लेकिन H और O की वैल्यू चेंज हो गई, अभी 4 3 सा 12 हो जाएगा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन हो जाएगा 4 4 सा 16। यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो हम बाद में चेक करेंगे, क्योंकि 11 16 है बड़ा नंबर है का, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो नीचे में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप अगर इसको 6 से लिखते हैं, 6 टू ज़ा 12, तो ये आपको टैली हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पर चेंज हो गया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, ये 6 हो गए, और पहले के यहाँ पर 10 है, यानी टोटल 16 हो गए। अभी 4 16 12, सो अभी इक्वेशन बैलेंस हो गया।